संस्कार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गोपेश्वर मंदिर पर गरीबों एवं असहायों को भोजन वितरण किया गया। आपको बता दें कि संस्कार वेलफेयर सोसाइटी हाथर्स द्वारा लगभग 4 वर्षों से गरीबों एवं असहायों की भोजन सेवा में निरंतर कार्य कर रही है। ये संस्था विगत कई वर्षों से गोपेश्वर मंदिर पर शाम को सैकड़ों की तादाद में गरीबों एवं असहायों को भोजन कराती आ रही है। आज की भोजन सेवा कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी मुनीश चंद्र द्वारा की गई। ऐसे में संस्था द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी भोजनकर्ताओं के हाथ सैनिटाइज के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भोजन वितरण किया गया। क्या हम पिछले कई वर्षों से लगभग 4.5 वर्षों से भोजन सेवा कर रहे हैं हाथरस रोटी बैंक के द्वारा। यह हाथरस रोटी बैंक हम मुरसान में भी संचालित है, हमारी हाथरस में भी संचालित है। आज की सेवा जो हमारे हाथरस गेट प्रभारी हैं श्री मुनीश कुमार जी, मुनीश चंद जी, उनके द्वारा कराई गई। उनके साथ में हमारे अरुण कुमार दुबे जी हैं, वो आज भोजन सेवा में उपलब्ध रहे हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं। और यह सेवा, भोजन सेवा हम जो चला रहे हैं, यह पिछले लॉकडाउन से ज़्यादा, आपने देखा था पिछली बार भी लॉकडाउन था और इस वर्ष भी है। कोरोना की महामारी को देखते हुए लोगों के रोज़गार भी बंद हैं। हम प्रतिदिन लगभग यहाँ पर, पिछले साल हमने 3 से 4 हज़ार पैकेट प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इस वर्ष भी हम कई पैकेटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यह सेवा हमारी पिछली जो जारी है वो आगे भी अनवरत चलती रहेगी।